डिजिटल इंडिया समझ रहे हैं। डिजिटल का मतलब क्या हो गया, आईटी सेक्टर हो गया है ना, आईटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो डिजिटल इंडिया स्कीम के तहत कवर होगा। इस स्कीम में एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, कहने का मतलब है कि जो हम इंटरनेट से समझो आप है ना, कि भाई इंटरनेट हर जगह पहुंचाया जाएगा, तो इंटरनेट पहुंचाने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, अपने आप नहीं पहुंचेगा ना, उसको वायर चाहिए उसके लिए है ना, तो वो सारा सिस्टम इसके थ्रू जो है किया जाएगा इस स्कीम के तहत, कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा पूरे देश में, गांव गांव तक सब जगह कंप्यूटर चले, सब जगह इंटरनेट पहुंचे। तो कैसे पहुंचेगा, वहां तक आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ना, केबल वगैरह बिछाना पड़ेगा हर जगह ले जाकर के, तो वो करने सारा कुछ किया जाएगा, यानी कि डिजिटल सर्विसेज हर जगह पहुंचे। अब देखो हर पंचायत में हर गांव में डिजिटल से जुड़ा हुआ होगा तो ई गवर्नेंस आसान हो जाएगा, सरकार का कोई भी कार्यक्रम है आसानी से पहुंच जाएगा। अगर हर घर में या हर लोग के पास कोई डिजिटल एक्सेस होगा तो वो अपना काम आसानी से कर पाएंगे चीजों को। जैसे बढ़ रहा है डिजिटलाइजेशन, आप देखो ना भाई, अभी आप क्या कर रहे हो, ऑफलाइन नहीं आ पाते हो तो ऑनलाइन क्लास कर लेते हो, ये सुविधा तो पहले नहीं थी ना, कि भाई अभी नहीं आ सकते तो घर में कर लेना, बोले नहीं आए तो नहीं आए, तो ये सारी चीजें हैं। और एक डिजिटल लिटरेसी भी इसके थ्रू प्रोवाइड करवाया जाएगा, लोगों को लिटरेट किया जाएगा डिजिटल तरीके से, कि चीजों को कैसे इस्तेमाल करें, इंफॉर्मेशन को ये कैसे प्रोसेस करें, ये सारा कुछ जो है इसके द्वारा किया जाएगा। सबको इंटरनेट का एक्सेस दिया जाएगा, ऐसा मतलब इस स्कीम में कहा गया, सबको मतलब हर ग्रामीण क्षेत्र में, शहरों में तो ऑलरेडी है ही ना, तो हमें तो इतना डेफिशिएंसी महसूस नहीं होती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर वैसे गांव जो बहुत दूर दराज में है वहां तक नहीं पहुंच पाता है इंटरनेट, तो ये बड़ी प्रॉब्लम समस्या है ये। और अगर ये अगर संभव हो गया तो फिर ई गवर्नेंस सरकार के लिए आसान हो जाएगा, कोई भी कार्यक्रम लॉन्च करना उसको लागू करना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और हर कार्यक्रम जैसे कि आप आजकल डायरेक्ट या कहिए कि आप एक तरह से कि डायरेक्टली सब लोग जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ में इंटरनेट के माध्यम से, इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच जाएगा आसानी से। आज आपके पास मोबाइल है तो आपका इंफॉर्मेशन आसानी से पहुंच जाता है, इंस्टीट्यूट में क्या हो रहा है, कॉलेज में कोई फंक्शन होगा या कुछ काम होगा, वहां से तुरंत मैसेज आ जाएगा कि भाई ये फॉर्म इतना डेट इतना है, एग्जामिशन का इतना डेट है। पहले हम लोग डेली आते थे पूछते सर एग्जाम कब शुरू होगा है ना, तो वहाँ जो होता था बैठा हुआ बोलते थे कि अभी कल तय करना, अभी नहीं मालूम है, कल शायद आ जाएगा, कल गए तो मालूम हुआ, अभी नहीं बोला, आज भी नहीं मालूम हुआ, कल आना। 3 दिन हम लोग भागते रहते थे एग्जाम का डेट पता करने के लिए। अभी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप घर बैठे हैं, आपका मोबाइल नंबर वहाँ दिया हुआ है, आपका आ जाएगा। ये नहीं आएगा तो फिर नेट पे आ जाएगा सीधा, हाँ तो नेट पे साइड पे सब कुछ आता है, एडमिशन से लेकर के रिजल्ट तक आपको हर चीज वहीं मिल जाएगा, स्कूल भागने की जरूरत ही नहीं है। स्कूल वालों को तो बाद में मालूम होता है, यहाँ पहले अपने मालूम हो जाता है कि हमारा रिजल्ट क्या हुआ। तो ये सारी चीजें हो गई, ये सब इसी कारण से हो रहा है। इस स्कीम के तहत भी यही है, यानी कि डिजिटल एजुकेशन पूरे देश में फैलाना और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना पूरे देश में, ताकि हर जगह ब्रॉडबैंड हो और सब जगह इसका इस्तेमाल किया जा सके। यही मेन पर्पस है डिजिटल इंडिया स्कीम का। देखिए द स्कीम वॉज लॉन्च इन जुलाई 2015 बाई मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। इस योजना को जुलाई 2015 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, आईटी मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। द एम्स ऑफ द स्कीम आर
नंबर वन क्रिएशन ऑफ स्टेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सुदृढ़ डिजिटल आधारभूत संरचना का निर्माण करना। स्टेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सुदृढ़ डिजिटल आधारभूत संरचना का निर्माण करना। सेकेंड, डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज डिजिटली, डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज डिजिटली, डिजिटल माध्यम से सरकारी सेवा प्रदान करना। सरकारी सेवा प्रदान करना। थर्ड, टू अचीव यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी, यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी, सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करना। सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करना। पिलर्स ऑफ द प्रोग्राम्स आर एज फॉलो, कार्यक्रम के निम्न स्तंभ हैं। पिलर्स ऑफ द प्रोग्राम आर एज फॉलो, नंबर वन ब्रॉडबैंड हाईवे, ब्रॉडबैंड राजमार्ग की स्थापना करना। ब्रॉडबैंड समझते हैं ना, हाँ वो जो केबल लगाया जाता है ना, ब्रॉडबैंड बोलते हैं उसको, हाँ तार जो लगाए जाते हैं ना इंटरनेट के लिए, हाँ तो उसको ब्रॉडबैंड बोलते हैं, मतलब ज्यादा उसमें आ सकता है इसलिए ब्रॉडबैंड कहलाता है वो। ऑप्टिकल फाइबर का पता है आपको उसमें मैकेनिज्म क्या है उसमें? हाँ इस कारण से जीरो लॉस है ना, उसमें लॉस ही नहीं होगा, 100% पहुंचेगा, जहां जितना भी आप यहाँ से देंगे ना, जो भी इनपुट डालेंगे आउटपुट एकदम सेम ही आएगा, थोड़ा भी अंतर नहीं आएगा। सेकंड है यूनिवर्सल एक्सेस टू इंटरनेट, सभी के लिए इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना। यूनिवर्सल एक्सेस टू इंटरनेट, थर्ड ई गवर्नेंस, ई शासन उपलब्ध कराना, ई गवर्नेंस, फोर्थ ई क्रांति फॉर फास्टर गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी, ई क्रांति एक मतलब प्रोग्राम है चलाया जाएगा, ई क्रांति फॉर फास्टर गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी, ई क्रांति द्वारा सरकारी सेवा तीव्रता से उपलब्ध कराना। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, सभी तक सूचनाओं को पहुंचाना,
इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल, सभी तक सूचनाओं को पहुंचाना। देन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्माण। एंड लास्ट में लिखेंगे टू ट्रेन पीपल इन आईटी जॉब्स, आईटी संबंधी कार्य के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना, लोगों को प्रशिक्षित करना। तो इसका बहुत मतलब बड़ा बड़ा डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया है ना, किसी जमाने में मोदी जी जो है अपने हर भाषण में यही कहा करते थे कि हम ये सारे कार्यक्रम चला दिया, अब आजकल पता नहीं क्या हो गया। आजकल जो है इनकी आवाज नहीं आती है, पता नहीं कार्यक्रम के बारे में। खैर जो भी है, ये स्कीम, ये कोई कहने का मतलब कि उनके आने से नहीं हुआ, वैसे भी होना ही है। ये सारी चीजें कोई पार्टी से संबंध नहीं रखता है, सरकार अपने आती जाती रहती है और इस देश चलता रहता है ना। तो ये सारे कार्यक्रम प्रीनियल हैं, चलते ही रहेंगे। पार्टी कोई भी आएगी, कार्यक्रम नया चलता ही रहेगा, ये सब होता ही रहेगा, है ना। नहीं, पार्टी कोई भी आएगी, देखिए गवर्नमेंट का अपना एक लिमिटेशन है, समझो आप। कोई भी सरकार, एक चीज समझ लो आप, मैंने जो अपना लाइफ के अनुभव से सीखा है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, आप ये सोच के चलो कि हमारे लिए कुछ नहीं होना है, समझे ना। किसी के लिए होगा, अब जो कार्यक्रम लेके आ रहे हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं या 30 किलो अनाज दे रहे हैं, हमारा क्या है उसे लेने देना। हम तो टैक्स दे रहे हैं ना, हम तो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक तरह से देखे तो आप, उनके कार्यक्रमों में। सरकार के जितने भी कार्यक्रम है वो सब हमारे ऊपर ही तो बर्डन है ना, सब मिडिल क्लास में बर्डन है। आप टैक्स दे रहे हैं, हम टैक्स भर रहे हैं, हमें तो कोई मिडिल क्लास को तो कोई फायदा नहीं उससे, है ना। हाँ, मिडिल क्लास को लाभ कब होता है, जब कोई ऐसा मतलब कार्यक्रम चला दो जो कि पूरा यूनिवर्सल हो, जैसे दिल्ली में चला रखा है आम आदमी पार्टी वालों ने, कि सबके लिए जैसे स्कूल है या फिर हॉस्पिटल है, वो सबके लिए मुफ्त कर दिया है।